तो ये ले बनाते हैं कार्डबोर्ड से लटकन, वो भी दिवाली के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में लिया है कार्डबोर्ड व्हाइट कलर का, और मैं इसके ऊपर पहले व्हाइट कलर कर दूंगी ताकि जो हम रेड कलर कर रहे हैं वो अच्छे से इसके ऊपर हो जाए। तो कलर करने के बाद मैं इसके ऊपर फ्लावर को लगा दूंगी और इसके ऊपर मिरर को भी लगा दूंगी। तो ये है गोटा फ्लावर्स, गोटा फ्लावर्स को मैं इसे दोनों तरफ लगा दूंगी। अब यहाँ पर मैंने ली है बॉल चैन और ये लिया है फैब्रिक ग्लू। तो फैब्रिक ग्लू से मैं इसमें बॉल चैन को लगा दूंगी ताकि जो कार्डबोर्ड दिख रहा है वो छुप जाए और इसमें जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी बन जाए। और ये जो तरीका है लटकन बनाने का शुभला वाली, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको थोड़े घंटे में बना सकते हैं, जैसे 2-3 घंटे लग जाएंगे इसको बनाने में। तो आप इसको घर पर ही बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ मटेरियल लगा नहीं है इसमें। और आप इसमें गोटा फ्लावर की जगह पर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कोई से भी फ्लावर्स हो या फिर कोई से भी मिरर वगैरह हो, जो भी डेकोरेशन आइटम हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गोटा फ्लावर ही यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने ये मिरर लिया है, पहले मैं इस पर लाभ लिखूँगी। तो लाभ के लिए यहाँ पर मैंने ऊपर मतलब लाइन को ड्रॉ कर दिया है, मिरर को लगा दिया है। फिर मैं इसमें ला लिख दूँगी, तो ला का जो लाइन है उसमें भी मिरर्स को लगा दूँगी पत्ती शेप के, और जो ला है ला का जो शेप है उस पर भी मैं ये मिरर्स को लगा दूंगी। और जो गोटा फ्लावर्स है ये आपको लोकल शॉप पर मिल जाएगा, जहाँ पर सुई धागा मिलता है तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे फ्लावर्स। और जो भा है उसमें भी मिरर्स को लगा दूंगी। अब यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन करूँगी ताकि जो लाभ है वो बिल्कुल अच्छे से दिखे कि क्या लिखा हुआ है। तो जो हमने मिरर को लगाया था उसके आसपास मैं अंडरलाइन कर ब्लू से कर और इसमें बॉल चैन्स को भी लगा दूंगी ताकि पूरा अच्छे से दिखे। एंड देखिए लाभ तो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें आसपास मिरर्स को भी लगा दूंगी, और जहाँ पर अब मैंने यहाँ पर जंप रिंग ली है और इसमें दो बेल्स को लगा दूंगी जो कि बहुत ही स्मॉल साइज की है और सिल्वर कलर की है। अब यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है, तो मैं नोट लगाने से पहले इसके अंदर जंप रिंग को डाल दूंगी जिसमें हमने बेल्स को लगाया है, और फिर मैं इसमें नोट लगा दूंगी और फिर सुई को हम बाहर ले लेंगे और बेल्स के साथ नोट को रहने देंगे। अब मैं इसके ऊपर ये मोतियों को भी भिगो दूंगी जो कि ग्रे कलर के हैं और रेड कलर के हैं। तो इनको ऐसे करके मैं गोटा जो फ्लावर है इसमें अटैच कर दूंगी। गोटा फ्लावर में एक चीज़ आसान हो जाती है कि हम इसमें सुई धागे के साथ लटकन को आसानी से अटैच कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने गोटा फ्लावर का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने ये लेस ली है सिल्वर कलर की ताकि हम इसको हैंगिंग कर पाएँ, तो मैंने इसको सुई धागे से अटैच कर दिया है। और आप इसमें पक्के धागे का ही यूज़ करना, क्योंकि ये कच्चा धागा यूज़ करेंगे तो वो आसानी से ब्रेक होने का उसमें रिस्क रहता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पक्के धागे का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ करूँगी, थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो जो मैंने मिरर्स लगाए थे यहाँ आसपास, तो इस पत्ती शेप के मिरर्स को और लगा दूँगी। और अगर आपको अदर वीडियोज़ देखने हैं क्राफ्ट के या फिर दिवाली डेकोरेशन के, तो मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है एंड स्क्रीन पर आई बटन पर, तो आप क्लिक कर मेरे अदर वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और इसमें ऐसी मिरर्स को लगा दूँगी, और ऐसे ही मैंने रेडी कर लिया है शुभ और लाभ दोनों को। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगे हैं। और आप मेरी हैंडमेड ज्वेलरी की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर बहुत सारे वीडियोस को डाल दिया है। एंड इफ लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।